मैं हूं शिवांगी वाजपेयी, याद रखें स्वदेश, आप देख रहे हैं भारत समाचार और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पहली खबर के साथ। सीएम योगी आज तेजस को दिखाएंगे हरी झंडी और सुबह 9 बजे हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। लखनऊ से दिल्ली तक ये 6 घंटे में पहुंचाएगी ट्रेन, 9 बजे लखनऊ जंक्शन पर कार्यक्रम भी है। 9 बजे हरी झंडी दिखाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और दिल्ली यानी कि दिल्ली से 6 घंटे में ट्रेन पहुंचाएगी महज। 9 बजे जंक्शन पर कार्यक्रम होना है तेजस। आपको बताते महज 6.15 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुंचेगी और 8251 नंबर की ट्रेन लखनऊ जंक्शन से सुबह 6:10 पर चलकर कानपुर और गाजियाबाद होते हुए दोपहर 12:25 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। तो आज तेजस को हरी झंडी दिखाने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वापसी में 82502 नंबर की ट्रेन नई दिल्ली से दोपहर बाद यानी कि 3:35 पर चलकर 10:05 पर लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। आज इसको हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी हरी झंडी दिखाने के साथ आपको बता दें जो इसकी रफ्तार है वो काफी बेहतरीन है और काफी ज्यादा आधुनिक सुविधाओं से लैस है तेजस, जिसमें यात्रियों को खासा सुविधा का ध्यान रखा गया है, इस तरह के यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। 9 बजे जंक्शन पर इसको लेकर कार्यक्रम भी आयोजित है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और तेजस को हरी झंडी दिखाएंगे। तो लखनऊ से दिल्ली तक 6 घंटे में सफर पूरा कराएगी। तो सीएम योगी आज तेजस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ट्रेन में कुल 758 सीटें बताई जा रही। इसका किराया जो न्यूनतम है वो भी आपको बताते हैं, 1280 रुपए। लखनऊ से चलने वाली वातानुकूलित और पहली प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी तेजस कि अंदर के क्या सीन है, हम दर्शन कराने का प्रयास करते हैं कि कैसी अंदर की सुविधाएं हैं, जो ये व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें किस तरीके की सुविधाएं आपको मिलेंगी, हम उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। कि बताया जाता है कि ये पूरी तरीके से एयरलाइन की तरीके बनाई गई हैं, वातानुकूलित है और जो इनकी कार सीट्स हैं वो बहुत ही आरामदायक हैं। यहाँ पे जो कैटरिंग होगी वो भी होस्टेस की तरीके यहाँ पर जो है लेडीज ही कैटरिंग करेंगी, आरामदायक कुर्सियाँ आप दे सकते हैं किस तरीके से, और ये सुविधाएं जल्दी आपको मिलेंगी। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आम जनता के लिए इसे खोलने जा रहे हैं और राजधानी लखनऊ में नौवीं सवारी जो है वो अब यहाँ से शुरू होने वाली है, लखनऊ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होगी और 6:15 पर ये ट्रेन वहाँ पर पहुँचेगी। तो कुल मिला के जिस तरीके की ये सुविधाएं हैं वो अत्याधुनिक हैं और उन अत्याधुनिक सुविधाओं का जो लाभ है वो जल्द ही आपको मिलने वाला है। तो देखने वाली बात ये है कि ये सुविधाओं को भले ही थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ेगा लेकिन सुरक्षित रहेगा। इस ट्रेन में सफर करने में अगर दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं तो कंपनी आपको प्रॉपर बीमा करा के देती है, इस यहाँ कैटरिंग की भी व्यवस्था होगी, कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं ऐसी जैसे एयरलाइन में आप फ्लाइट पे इकोनॉमिक में आप सफर करते हैं वैसी ही व्यवस्थाएं इस ट्रेन के अंदर भी आपको मिलने वाली है। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अरविंद, देखिए तेजस का तोहफा दिया है सरकार ने, ये तेजस को लेकर आज उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले, कौन कौन सी सुविधाएं हैं इस तेजस में और ये जो उद्घाटन होगा वो कितने बजे तक शुरू होगा? लखनऊ जनसंघ से नई दिल्ली के लिए जो देश की पहली कॉरपोरेट तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चारबाग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। 9 बजे मुख्यमंत्री चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, वहां पर तेजस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं, अगर हम बात करें तो जो जनता है यानी कि जो यात्री हैं जो इसमें सफर करेंगे उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती तो उन्हें बीमा मिलेगा, उनका अगर सामान चोरी होता तो उन्हें उसका मुआवजा मिलेगा, माफ करिए कि बीमा की जगह मुआवजा मिलेगा। उसके बाद इनमें तमाम सुविधाएं हैं जैसे वाईफाई, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे हैं, सेंसर वाले गेट लगे हैं, तमाम सारी इस तरह की सुविधाएं हैं जो यात्रियों को पहली बार एक ट्रेन में मिल रही है। तो इसमें ये लगेगा कि जैसे आप किसी ट्रेन में नहीं विमान में जो है सफर कर रहे हैं। तो लगातार जो है ये जो पहली ट्रेन है जो यात्रियों को तोहफे में मिली है ये सुबह 6:10 पे राजधानी से दिल्ली जाएगी और दिल्ली से यहाँ राजधानी लखनऊ आएगी। बिल्कुल अरविंद, लेकिन देखिए ये भी कहा गया कि मंगलवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी, तो मंगलवार को ये ट्रेन क्यों नहीं चलेगी, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए तमाम जो है रूट इसके लिए अभी निर्धारित किए जा रहे हैं, तमाम रूट बदले गए हैं तेजस के लिए क्योंकि नई ट्रेन अभी यात्रियों को तोहफे में मिली, इसके लिए अभी रेलवे इस पर विचार करेगा। हालांकि जो इसकी जो टाइमिंग है वो अपने टाइम से जो है अगर लेट होती है तो उसमें भी जो है आपको जो है मुआवजा देगी जो है रेलवे विभाग। तो तमाम तरह की सुविधाएं जो है तेजस ट्रेन में यात्रियों को दे रही है सरकार।
बिल्कुल अरविंद, देखिए तेजस ट्रेन बेहद शानदार है, जो यात्री उनको सुविधा जरूर होगी इसमें बैठने पर। लेकिन देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे, वो वहां पर मौजूद है, उनके साथ और कौन जा सकता है उनके साथ? देखिए आला अधिकारी जो रहेंगे रेलवे विभाग की, वो तो रहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ मंत्री भी जा सकते हैं इसमें उद्घाटन में। उसके बाद जो तमाम तरह की इसमें सुविधाएं हैं यात्रियों को, अच्छी खासी सुविधा जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है वो दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। देखिए लखनऊ से अगली खबर है, वो भी आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी आज नामांकन करने वाले हैं। यूपी से राज्यसभा प्रत्याशी हैं सुधांशु त्रिवेदी। अरुण जेटली की सीट पर हो रहा है उपचुनाव और अरुण जेटली के देहांत के बाद ये सीट खाली थी। अब सुधांशु त्रिवेदी को इसका उम्मीदवार बनाया गया था, आज वो इसको लेकर नामांकन भी करने वाले हैं। बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी को प्रत्याशी बनाया और इसी साल जनवरी में जेटली चुने गए थे। नामांकन में सीएम योगी भी शामिल होंगे। तो बीजेपी के देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, अब उनको अरुण जेटली की जो सीट खाली हुई थी उसका दावेदार बना दिया गया, आज उसी को लेकर आज ही नामांकन करने वाले हैं। राज्यसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं सुधांशु त्रिवेदी और कहा जा रहा है कि इनके नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और जो सुधांशु त्रिवेदी का कार्यकाल है वो 5 साल तक रहेगा, क्योंकि अभी इसी साल यानी कि जनवरी में ही अरुण जेटली ने नामांकन किया था, चुने गए थे सीट से और देहांत के बाद अब सुधांशु त्रिवेदी को नामांकन करने के लिए आज आप लखनऊ में देखेंगे। अगली खबर आपको बता दें मेरठ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 75,000 के इनामी बदमाश सद्दाम घायल भी हुआ है। मेरठ से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई और इस मुठभेड़ में 75,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। स्पेशल सेल मेरठ क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हुई है। 25,000 के दो इनामी बदमाश घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में और सद्दाम ने इनामी बदमाश को कराया था फरार। सद्दाम ने इनामी बदमाश को फरार कराया था। मुठभेड़ हुई पुलिस की, दो बदमाश पकड़े गए हैं जिसमें से दोनों पर 25,000 का इनाम भी बताया जा रहा है। सद्दाम पर यूपी से 25,000 का इनाम था और जो पिस्टल तमंचा कारतूस वो भी पुलिस ने बरामद की बदमाश के पास से। टीपी नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। हमारे साथ सोएब जी, आज खबर पर जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के लिए। सोएब देखिए पुलिस को कामयाबी मिली, सद्दाम नाम का जो बदमाश था वो फरार चल रहा था तो पुलिस की मुठभेड़ में वो पकड़ा गया है, घायल हुआ है। बिल्कुल शिवांगी, पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि सद्दाम जो है ये कुख्यात है और ये इस पर दिल्ली से 50,000 का नाम था और यूपी से 25,000 का नाम है इनाम था। जो दिल्ली की स्पेशल सेल है उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि सद्दाम जो है मेरठ के टीपी नगर में छुपा हुआ है। उसी के आधार पर इसकी रात गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद इसके दो और साथी थे वो भी मुठभेड़ में घायल हो गए। तीनों बदमाश जो है ये शातिर अपराधी है और लगता है कि ये रात भी शहर में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ जी तमाम जानकारियों के लिए आपका। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां लोनी बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई। गाजियाबाद की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोनी बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और बदमाश एप्पल उर्फ सागर के पैर में गोली भी लगी है। कांस्टेबल इनाम खान को भी गोली लगी है, बदमाश भी घायल हुआ है। लोनी बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, एक बदमाश भागने में कामयाब भी रहा है मुठभेड़ में। लोकेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। लोकेश देखिए गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश बताया जा रहा है फरार भी हो गया, एक उनकी गिरफ्त में भी अभी पुलिस की। जी ये बीती रात की घटना है, बीती रात हुए एनकाउंटर के अंदर ये एप्पल और सागर नाम का एक बदमाश जो है जो अपने साथी के साथ आ रहा था और इसको पुलिस ने जब चेकिंग में रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक इनाम खान नाम के एक सिपाही जो है वो घायल हो गया। इसी के जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है, जबकि इसका साथी भागने में कामयाब रहा। एप्पल और सागर जो है ये शातिर किस्म का अपराधी है और पिछले लंबे समय से ये वांटेड चल रहा था और लगातार लूट और छीनैती और मोबाइल स्नैचिंग जैसी ये घटनाएं करता था और अब तक पकड़ा नहीं गया था। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। देखिए अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर नोएडा एक्सटेंशन की गौर सोसाइटी में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी के ऊपर फायरिंग कर दी और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। कारोबारी ने जैसे ही अपनी कार खड़ी की उसके बाद दो हमलावर आ गए और कारोबारी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पिस्टल लोड नहीं होने के कारण कारोबारी बच गया और बाद में उसने बदमाशों को खदेड़ा भी। घटना बिसरक थाना क्षेत्र के स्थित गौर सोसाइटी की बताई जा रही है। जहां तस्वीरें आप देख पा रहे इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ग्रेटर नोएडा की खबर, जहां पर एक व्यापारी जो अपनी कार खड़ी करके निकलने की कोशिश करता है तभी दो बदमाश वहां आते हैं और उस पर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन गन लोड ना होने के कारण बदमाशों को भगाने में यह व्यापारी कामयाब होता है और ये फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जहां बदमाशों ने कारोबारी पर फायरिंग कर रही थी। ये लाल घेरे में आपको बदमाश भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।
अगली खबर हमीरपुर से, जहां यूपी के 5 जिलों में अवैध खनन हुआ है। हमीरपुर से बड़ी खबर, यूपी के 5 जिलों में अवैध खनन हुआ है, कोर्ट स्टे के बाद भी कराया गया है खनन। ये हम हमीरपुर से आपको बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी के 5 जिलों में अवैध खनन की घटना सामने आई। कोर्ट स्टे के बाद भी खनन कराया गया, 36 पट्टों पर रोक के बाद भी अवैध खनन हुआ है। जनवरी 2019 से अवैध खनन चलता रहा है और जनवरी से 30 जून 2019 तक खनन चला है। एनजीटी के आदेश के बाद भी अवैध खनन हुआ। हमीरपुर जिले में 25 पट्टों पर अवैध खनन की खबर, जहां पर जालौन में 3, बांदा में 2 अवैध खनन पाए गए। प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से हुई जबरदस्त बारिश ने शहर में कोहराम मचा रखा था। शहर का जाल टाउन पुलिस स्टेशन भी अब इसमें डूब गया है। थानेदार के कमरे से लेकर हवालात और बैरक से लेकर मुंशी के ऑफिस तक घुटनों तक पानी ही पानी है। सिपाहियों से लेकर फरियादियों तक घुटनों पर इनके पानी भरा हुआ देखा जा रहा है। घुटनों तक पानी है और अंदर जाने को लोग मजबूर हो रहे हैं। ऐसे हालातों में भी नगर निगम के पंपिंग सेट लगवाकर पानी को बाहर भी निकलवाया गया है। तो प्रयागराज का पानी जो है बाकर के बैरक तक घुस गया है, थाने में भी घुसा है और थाने में भी घुस गया है, कम से कम 7-8 इंची। और यहाँ पे बैरक में, यहाँ पे तो कम से कम 1.5 फुट से ज्यादा होगा। सहारनपुर से अगली खबर, जहां पर मामूली विवाद में लाठी डंडे चले, एक शख्स की मौत भी हुई, 3 लोग घायल बताए गए और गंदगी फैलाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। सहारनपुर की बड़ी खबर, जहां मामूली विवाद में देखिए लाठी डंडे चले हैं, कहा जा रहा है कि गंदगी फैलाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, एक शख्स की मौत भी हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जनकपुरी के दामोदरपुरी कॉलोनी की पूरी घटना और आरोपियों पर मामला दर्ज कर तलाश उनकी जारी है। आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया, तलाश अभी भी जारी है और गंदगी को लेकर बताया जा रहा है लाठी डंडे चले हैं। मामूली विवाद था, उसी में लाठी डंडे बरसे एक दूसरे के ऊपर और देखिए एक शख्स की मौत भी हो गई इस घटना में, 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। गंदगी फैलाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। जनकपुरी के दामोदरपुरी की पूरी घटना, जहां आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया, उनकी तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। सहारनपुर की बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मामूली विवाद में लाठी डंडे चले हैं। हमारे साथ विशाल कश्यप जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल देखिए, मामूली विवाद था, लाठी डंडे तक चल गए, वजह क्या निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला सहारनपुर के थाना चनकपुरी क्षेत्र के दामोदर कॉलोनी का है, जहाँ पे एक पालतू कुत्ता था जिसने जो है गंदगी दूसरे घर के पड़ोस के यानी घर के ठीक बराबर में ही गंदगी फैला दी, जिसको लेकर जो बराबर वाला घर था वो उसको बोलने के लिए उनके घर पर गया। जैसे ही घर पे गया तो उनमें हॉक टॉक हो गई, बात हो इतनी बढ़ गई कि जिसके बाहर गंदगी की थी कुत्ते ने, उसने अपने एक जो बैट बॉल खेलने वाला जो बल्ला होता है जो बताया जा रहा है वो उनके जिनका दो कुत्ता था उसके सर में मार दिया, जिसकी सर में मारने के बाद तुरंत वह नीचे गिर गया। उनके परिवार के जैसे लोग आए तो उनमें भी हाथापाई, पूरी लाठी डंडे चले और जो नीचे गिरा था युवक जिसके सिर में बल्ला लगा था उसका जिला अस्पताल में जो है मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो प्रयागराज से अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाते, जहां 1.6 करोड़ की चोरी हुई है। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां 1.6 करोड़ की चोरी हो गई, एटीएम की कैश वैन से चोरी हुई है बताया जा रहा है। तो 1.6 करोड़ की चोरी एटीएम की कैश वैन से बताई गई, रेलवे स्टेशन कैंपस में चोरी हुई है। एटीएम की कैश वैन थी जिससे चोरी हुई, एटीएम में पैसे डाले जाने के दौरान ये पूरी वारदात हुई है। पुलिस के आला अधिकारी जांच में अभी भी जुटे हुए हैं और एटीएम की कैश वैन से 1.6 करोड़ की चोरी। प्रयागराज से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस सब उन बदमाशों को पकड़ रही है जिन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। जो भी केस रहा हूं, अभी लोगों के बताने के मुताबिक कि हमारा केस लंबा था और यहाँ मैं लोडिंग किया, फिर वहाँ एक नंबर पे गया, वहाँ देखा तो बॉक्स ही नहीं, फिर ये लोग वापस यहीं पे अपना बैठ के सब नंबर पे फोन किए। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में कोई ऐसा चिन्ह हमें नहीं मिला है, किसी ऐसी तरह की गतिविधि नहीं मिली है जिससे कि कैश वैन से कोई बॉक्स निकाला जा सकता हो या निकाला गया हो या किसी व्यक्ति की कोई संदिग्ध गतिविधि हो। लेकिन चूंकि इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है, इस रिपोर्ट के आधार पर अभियोग दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी धीरेंद्र भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। धीरेंद्र देखिए, एटीएम वैन थी जो
पैसे डालने के लिए जा रही थी, उससे चोरी की गई 1,60,00,000 के आसपास। पुलिस तलाश करी भी बदमाशों की, क्या कुछ सुराग मिले हैं पुलिस को अभी तक? देखिए, ये पूरा मामला कल देर शाम का है, जो रेलवे जंक्शन के बगल सिविल लाइन साइड में एक होटल है, उसी होटल के नीचे एटीएम लगा हुआ है। इसी एटीएम में पैसे लोड करने के लिए ये गाड़ी आई थी, और जब एटीएम में पैसे लोड करके जब बाहर निकली तो ये इनके जो कैश वैन में जो लोग थे उन्होंने बताया कि ये यहाँ से पैसे के बॉक्स गायब हो गया है। किसकी सूचना पुलिस को दी गई है? पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की तलाश की है, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का क्लू नहीं मिला है। हालांकि तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जो गार्ड है, कस्टोडियन है और ड्राइवर, तीनों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारियों के लिए। आपका अगली खबर देखिए आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले में लगातार बारिश होने से नगर के तीनों तरफ बहने वाली तमसा नदी उफान पर है। नदी के जलस्तर बढ़ने से करीब 30,000 की आबादी प्रभावित भी हुई। लोग अपने घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर शरण ले रहे हैं। वहीं जिनके मकान दो तले हैं वो मकान के दूसरे तल पर हैं। तमसा नदी के बढ़ने से इस शहर में आसपास के हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इससे लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, तो कई लोग अभी भी छतों पर सहारा लिए हुए हैं। तो आजमगढ़ में देखिए उफान पर तमसा नदी, जिसके कारण लोग काफी परेशान वहां पर। हमीरपुर में आई बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई, उसका असर अब पानी उतरने पर दिखाई देने लगा। हजारों बीघा जो फसल है वो पानी में डूब गई थी, और फसल दलहन की जिसने किसानों को हजारों रुपए मिलने की उम्मीद थी उससे, अब किसानों ने उससे भी हाथ धो लिए हैं। पानी में डूबी फसल और उम्मीदों में पथरा गई है आंखें। ये रिपोर्ट देखिए आप। धरती के भगवान रो रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए। आसमानी आफत से परेशान हुए, अब बाढ़ ने डुबो डाला है। हजारों बीघा दलहन बर्बाद हो गई। धरती के भगवान होते हैं किसान, लेकिन आपदा की मार भी सबसे ज्यादा झेलते हैं। हमीरपुर के किसानों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पहले बारिश से नुकसान हुआ, फिर रही सही कसर नदियों से आई बाढ़ ने पूरी कर दी। गांव के गांव डूब गए, और डूब गई सैकड़ों बीघे किसानों की खेती, वो खेती जिस पर किसानों का सब कुछ दांव पर लगा था। दलहन की फसल का हाल क्या है आप भी देखिए। कुछ नहीं बचा है गरीब किसानों के पास, केवल आंखों से बहते आंसू और उम्मीदों का उतराता पानी ही है। फसल सब बिल्कुल नष्ट हो गई है, यहाँ कोई खाने तक का नहीं है यार, जितना नुकसान पूरा एक पेड़ नहीं बचा है। ये सीधे साधे किसान हैं, जिनकी रोजी रोटी से लेकर जिंदगी तक अपनी फसल से जुड़ी होती है, पर वही किसान अपनी मेहनत की फसल की ऐसी हालत देखकर ना कुछ कह पा रहे हैं ना कुछ सुन पा रहे हैं। ये हाल जिले के एक दो किसानों का नहीं बल्कि हजारों किसानों का है। ना फसल से कुछ होना है, ना इन्हें सरकार से कुछ मदद मिल रही है। घरों की रत्ती लगे पड़ेगी, अब टाक से भी पारो है, हम नहीं गए ना देखेंगे कैसे सकाली घर की, ऐसा डरो है। हमारा कुछ नहीं बचा है, हमें घर में ना घर ना मकान, हमारा ही सब कुछ हुआ है। हमारे गांव में ना घर है ना मकान है, कुछ नहीं है। टीम बना करके कई टीमें बनाई गई हैं, सर्वे चल रहा है, एक आध दिन में पूरा हो जाएगा, वास्तविक स्थिति आ जाएगी और फिर जो शासन से राहत मन ने उठा। अन्नदाता की ऐसी हालत देखकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। प्रकृति की मार से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो किसान है। प्रशासन सर्वे कराकर मदद करने की बात कर रहा है, लेकिन जब तक मदद पहुंचेगी तब तक काफी देर हो चुकी होगी। हमीरपुर से अरशद खान की रिपोर्ट, भारत समाचार। तो मुजफ्फरनगर की खबर आपको बता दें, जहां मुजफ्फरनगर सीओ को घुड़सवारी करना भारी पड़ गया। घुड़सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिरे सीओ विजय प्रकाश सिंह और फिल्मी स्टाइल में घोड़े पर थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे सीओ साहब। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली का पूरा मामला और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाल घेरे में जहां पर घुड़सवारी करने की कोशिश की और घोड़े को कंट्रोल करने की भी कोशिश की सीओ साहब ने, लेकिन जो घुड़सवारी का उनका ये अनोखा तरीका उन्होंने आजमाया उसमें वो फ्लॉप रहे और नीचे गिर गए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजधानी के बहुप्रतिष्ठित लॉ मॉन्टिनियर स्कूल में गुरुवार को पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची, जहां पर 8वीं क्लास के छात्र राहुल श्रीधर की मौत को लेकर पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ। 4 साल पहले राहुल की संदिग्ध परिस्थितियों में कॉलेज परिसर में मौत हुई थी। राहुल की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर न्याय की गुहार कोर्ट में लगाई थी। ग्रेटर नोएडा की खबर, जहां पर बिसरख पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से, आपको बता दें, 3,852 बोरी नकली सीमेंट बरामद की और नकली सीमेंट उत्तरांचल के एक प्रसिद्ध शराब व्यापारी और उसके सहयोगियों द्वारा बनाया जा रहा था। नकली सीमेंट देश के विभिन्न नामी कंपनियों के नाम से नए बोरों में भरकर उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल में भेजा जाता था। डिटेल्ड हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सभी जगहों का पता कराएंगे कि कहां कहां पे इन लोगों ने सप्लाई ये फर्जी सीमेंट किया है और क्या क्या इनसे निर्माण हुआ, ये भी पता कराने की कोशिश करेंगे। गंभीर ये एक मुद्दा है जिसमें कि इन अभियुक्तों के द्वारा लोगों की सुरक्षा को खतरे में रखा गया इस तरीके के फर्जी सीमेंट का निर्माण करके, और इसमें सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे भी इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई। गाजियाबाद से खबर, जहां गाजियाबाद में जींस की अवैध फैक्ट्रियां लोनी में चल रही हैं। फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई। लोनी एसडीएम प्रशांत तिवारी ने छापेमारी की है। स्थानीय लोगों ने भी इसकी शिकायत की थी। कितने समय से कर रहा? तो गाजियाबाद में अवैध जींस की फैक्ट्री चल रही थी और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की थी। लोनी में चल रही थी फैक्ट्री, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई भी हुई है। जींस की अवैध फैक्ट्रियां थी। लोनी एसडीएम प्रशांत तिवारी ने छापेमारी भी की शिकायत मिलने के बाद। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम करने की बात कही है। यूपी सरकार ने 350 करोड़ की योजना को पास करते हुए प्रथम चरण के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। वहीं कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर का विकास होने से पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा और कॉरिडोर बनने से यात्रियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी, साथ ही पर्यटन के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष सत्र चल रहा है 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए 200 रुपये स्वीकृत किया है। मैं यही बोलना चाहूँगा भैया कि योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के जो की हैं आदित्यनाथ जी, उनको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि ये ऐतिहासिक कदम रहा जो विंध्य कॉरिडोर के नाम से 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। मायावती सरकार में 500 करोड़ की शुगर मिल 40 करोड़ में खरीदने वाले वेव ग्रुप की गुंजाई का आलम इस कदर सरकार में भी अभी भी बरकरार। वेव की गुंजाई से परेशान गन्ना किसान अब मारा मारा फिर रहा है और सरकार ने 15 अक्टूबर से गन्ना की फसल की पेराई सत्र भी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन सरकारी हुक्म की नाफरमानी करते हुए बुलंदशहर की वेव शुगर मिल ने 11 नवंबर से पेराई शुरू करने की बात कही है। गन्ना किसानों का करीब 42 करोड़ रुपए दबाए बैठी वेव शुगर मिल ने सरकार के फैसले को भी ठेंगे पर रख दिया। चीनी मिलें 31 अक्टूबर के आसपास चलेंगी, लेकिन हमारी जो सबसे पहली चीनी मिल है इस मंडल की मोदी नगर, वो 15 अक्टूबर को चलने वाली है। वहाँ वेव चीनी मिल बुलंदशहर को छोड़ के सारी चीनी मिलें 31 अक्टूबर को चल रही, चाहे साबितगढ़, अनामिका, ये दोनों भी अनूपशहर, ये 31 अक्टूबर को चल। गन्ना किसानों को लेकर राज्य सरकार के आदेश भले ही जो हों, लेकिन बुलंदशहर की वेव शुगर मिल तक आते आते सरकार के आदेश बोने हो जाते हैं और वेव ग्रुप के सामने किसी की हिमाकत नहीं कि वो अपनी बात मनवा सके। यानी वेव ग्रुप किसानों का भुगतान भी नहीं देता और सरकार की बात भी नहीं मानता। सवाल यह है कि इस राज्य में सरकार की हुकूमत चलती है या फिर वेव की मनमानी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर तेज आंधी से गिरा नवरात्र का पंडाल, हादसे में बाल बाल लोग बच गए। तेज हवा के कारण बताया जा रहा है पंडाल गिरा है। पंडाल में दबी 3 गाड़ियां भी और साथ ही बिसरख के गोड सिटी के पास की पूरी घटना। तो ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आंधी से नवरात्र का पंडाल गिरा, हादसे में लोग बाल बाल बच गए हैं और बिसरख के गोड सिटी पास की घटना। तेज हवा के कारण बताया जा रहा है पंडाल गिरा है। पंडाल में 3 गाड़ियां भी उसके नीचे दबी हुई है।
बिस्रक के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, गोड सिटी के पास की, और नवरात्र का पंडाल था जहां तेज हवा के कारण बताया जा रहा है कि पंडाल गिरा। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लोग बाल बाल बच गए वहां पर। दिल्ली से अगली खबर, जहां पर आपको बता दें उन्नाव गैंगरेप के एक मामले में चार्जशीट और सीबीआई ने गैंगरेप केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। उन्नाव गैंगरेप के एक मामले में चार्जशीट दाखिल की सीबीआई ने। सीबीआई ने तीन लोगों को आरोपी बनाया है, चार्जशीट दाखिल की एक केस में और तीन लोगों को आरोपी भी बनाया सीबीआई ने। नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव, शुभम सिंह, ये तीन लोग जिनको आरोपी बनाया सीबीआई ने। फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर अभी बाहर है। ये मामला एमएलए सेंगर के केस से अलग है, लेकिन और तीन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्नाव गैंगरेप के एक मामले में ये चार्जशीट, जहां सीबीआई ने तीन लोगों को आरोपी बना दिया है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।